प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हों कि प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आने दी जाएगी और ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं होने दी जाएगी, पर स्थितियां इससे जुदा हैं। कलेक्टर आशीष सिंह लगातार ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, पर ऑक्सीजन सप्लायर ऑक्सीजन सप्लाई करने में कोताही कर रहे हैं और आपदा के इस समय को अपने मुनाफे के लिए अवसर में बदलने की जुगाड़ में लग गए हैं और अस्पतालों को नियमित और सुचारू रूप से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बुरी हालत आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज की है, जहां 200 के करीब कोविड मरीज भर्ती हैं, जिनमें अधिकांश गंभीर हैं और उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है, पर पिछले करीब सप्ताह भर से यहां लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने मेडिकल कॉलेज की डीन को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता जता दी है और साफ कर दिया है कि ऑक्सीजन की लगातार किल्लत और अनियमित सप्लाई की वजह से मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा है और ये स्थिति कई बार बन रही है, इसलिए या तो ऑक्सीजन सप्लाई नियमित करवाई जाए अन्यथा मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंभीर कोविड मरीजों की संख्या कम की जाए। यहां आपको बता दें कि आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज ने एक दिन पहले से ही ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से नए कोरोना मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगा चुका है। पूरे मामले में कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी, मॉनिटरिंग की जा रही है, आधे घंटे का बैकअप रखा गया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑक्सीजन का है वो निश्चित रूप से उस तरीके से डिजाइन नहीं था। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे एक्सप्रेस भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए चलाए गए हैं, राज्य सरकार ने अलग अलग राज्यों से संपर्क करके ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ाई है, लेकिन अभी जिस तरीके से जितनी तेजी से डिमांड बढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा अनुशासित रूप से उसको खर्च करने की आवश्यकता है। इसीलिए पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल है वो प्रशासन ने अपने हाथ में लिया हुआ है, जिससे कहीं पर भी ऐसा ना हो कि कहीं पर जमाखोरी हो रही है और कहीं पर दूसरी जगह पर जो है अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाए। हमारे सारे लोग लगे हुए हैं, हम लोग पल पल मॉनिटर कर रहे हैं कि इस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन बची हुई है। ये ज़रूर है कि पहले जो स्टॉक किसी के पास 24 घंटे का किसी के पास 48 घंटे का रहता है वो आज की स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बड़ी है। लेकिन हमारे द्वारा जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, समय रहते हुए करीब करीब आधे घंटे पहले एक घंटे पहले ही हम लोग ऑक्सीजन की रिफिलिंग कर देते हैं जब तक उसको आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की किसी तरीके से कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये बात अलग है कि जो पहले की आदत है वो हमको बदलने की आवश्यकता है कि हम लोग 24 घंटे का ऑक्सीजन पहले से ही लेके रख लें, अब वो चीज़ संभव नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी किसी भी हालत में महसूस नहीं होनी चाहिए।